Good morning students, myself Mrs. Lakshmi Padia, Syllables English Medium School, Mansur Road Batch. Students, Chapter 7, यह भी एक परीक्षा. हमने Part 1 अच्छे से complete कर लिया, अब Part 2 का दूसरा दृश्य. प्रधानाध्यापक कक्ष, प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना. अध्यापक कहते हैं, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है. मतलब सर बोल रहे हैं कि परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है. प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हो गई, वो तो मेघावी छात्र है, बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो. लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ. फोन उठाते, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ. अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है एग्जाम का, वह आया क्यों नहीं अभी तक, घर से निकले घंटा भर हो गया है. हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं. पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से है. वो फोन रख लेते हैं. उसे घर से निकले तो बहुत समय हो गया, आ जाना चाहिए. लेकिन आ जाना चाहिए, देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना, कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब, कह रहे हैं अगर वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना. वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया है. अध्यापक का जाना. कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाफते हुए आना. देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य कहते, अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया स्वर में, अस्पताल सर. प्रधानाध्यापक कहते हैं कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? जी, देवेंद्र कहता है, जी नहीं सर, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कराह रहा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर. देवेंद्र, वो बूढ़े भिखारी वाला इंसिडेंट पूरा प्रधानाध्यापक को, प्रधानाचार्य को सुनाता है. इसीलिए सर मैं लेट हो गया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ. अब प्रधानाध्यापक शाबाश, यह जानते हुए कि परीक्षा का समय है, वो क्या कह रहे हैं, अभी परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है और अभी एग्जाम शुरू हुए 10 मिनट ही हो गया है. इंसान की जिंदगी की इस परीक्षा में बहुत बड़ी और कीमती होती है. जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर वहाँ पर है. देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक को फोन उठाते हैं. वो कह रहे हैं जिंदगी की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा है, जाओ परीक्षा में बैठो, चिंता मत करो. जिंदगी की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा है, अभी एग्जाम चालू हुए, परीक्षा का समय ही है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया वही सबसे बड़ी बात है. इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है. जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में, और तुम्हारा रोल नंबर है 4 में, तुम्हारा रोल नंबर है. देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं. प्रधानाध्यापक कहते फोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया है, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है. अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होना ही होगा, लेकिन वो तो इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है. किसकी? इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया, ये परीक्षा में तो वो पास ही है, लेकिन जिंदगी की, इंसानियत की परीक्षा में वो पास हो गया. ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई हो आपको. ऐसे सपूत के पिता हैं आप, आपको बधाई हो. ये परीक्षा में तो सब पास हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में पास होना ही सबसे बड़ी बात है. और अब तो एक ऐसे होनहार पुत्र के पिता हो, ऐसे सपूत के पिता हो. अब स्टूडेंट्स,
ये चैप्टर अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं। यहाँ ही हमारा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का ख़त्म होता है। अब हम शब्दार्थ को समझेंगे। राहगीर मुसाफिर आईना दर्पण शक्ल चेहरा नवनिर्माण फिर से बनाना नई रचना मेगावी होशियार इंटेलिजेंट अनुपस्थित गैर हाजिर होनहार अच्छे लक्षणों वाला कर्तव्य फर्ज करहना दर्द भरी आवाज से चिल्लाना बस्ता थैला दफ्तर बरकत लाभ फायदा पिक्चर चलचित्र बेसहारा निसहाय टांग पैर सपूत लायक लायक पुत्र जख्मी घायल एक्सीडेंट दुर्घटना लेट देर से आना इंसानियत मानवता जोंक खून पीने वाला जंतु विशेष जट्ठो रोजगारी रेजगारी छोटे सिक्के हाकर फेरियो हाकर मतलब फेरियो जो चीज़ें घूम घूम के बेचता है उसे हाकर उसका वर्ड मीनिंग है फेरियो। स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने ये चैप्टर 7 यहाँ कंप्लीट किया है। चैप्टर 7 हमने यहाँ कंप्लीट किया है। यह भी एक परीक्षा ये चैप्टर सुरेंद्र अंचल द्वारा लिखा गया है। पार्ट 2 मैं भेज रही हूँ स्टूडेंट्स और इसके साथ इसकी PDF भी मैं सेंड कर रही हूँ। आप अच्छे से इस चैप्टर को 2 बार वीडियो देखेंगे समझेंगे रीडिंग करेंगे और जो PDF मैं सेंड कर रही हूँ वो अच्छी राइटिंग से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।